हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और मेरा व्लॉग देख के कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। तो फेस से और आवाज़ से आप समझ सकते हो कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। दिल्ली का वेदर इस बार कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी भी किसी भी टाइम बारिश होने लगती है और सिस्टी बैठी अपना काम कर रही है। पिछले लगभग 15-20 दिनों से धीरे धीरे सिस्टी और मैं बीमार हैं। कभी हमें जुखाम हो जाता है, कभी हमें खांसी हो जाती है, कभी हमारा गला ख़राब हो जाता है, तो वेदर की वजह से हो रहा है। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि बारिशें काफ़ी हो रही हैं लगातार। आज का आसमान भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो बारिश की कुछ ठिकाना ही नहीं है, कभी भी होने लगती है। तो मैं आपको बता रही थी कि बारिश कभी भी किसी भी टाइम होने लगती है और जो कुछ हम साफ़ सुथरा करते हैं वो सब भी ख़राब हो जाता है। जैसे कि मैंने अपना टेरेस इतने अच्छे से साफ़ किया था, बट किसी भी टाइम बारिश की वजह से मेरा टेरेस दोबारा से ख़राब हो गया है। तबीयत भी ख़राब है, बहुत सारा काम भी करना है। तो मैं आ गई हूँ इस टाइम अपने किचन में। तो देखिए, छोटा सा स्मॉल सा घर है, मिडिल क्लास फैमिली का घर कैसा होता है आप सबको पता ही है। तो मेरी जो किचन है बहुत छोटी सी है, बैक कमरे से मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी बार दिखा भी चुकी हूँ। तो मैं इस टाइम बना रही थी अपने लिए ग्रीन टी, सोचा चलो एक वीडियो भी शूट कर लेते हैं। साइड में आपको कपड़े दिख रहे होंगे, तौलिया वगैरह हैं। हस्बैंड जो है हस्बैंड और बेटा दो दिन में बालाजी का टूर करके आए हैं और उन सब के अभी नहा धो के वो सोने गए हैं। बेटा तो सो रहा है, हस्बैंड अपने जॉब पे चले गए हैं। तो वही कपड़े आपको सामने दिख रहे होंगे यहाँ मेरे पीछे, क्योंकि ऊपर छत पर जा नहीं सकते। छत पर क्या बारिश आ रही है, किसी भी टाइम आती है। सुबह से 4 बार बारिश हो चुकी है, इस टाइम 11:30 बज रहे हैं और सुबह से 4 बार बारिश हो चुकी है। घर के बाहर जो हमारी गली है वहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर चुकी हूँ और 4 बार धीरे धीरे करके बारिश हो रही है। बारिश इतनी होती है कि रोड जो है वो गीला हो जाता है, कभी कभी बारिश तेज भी हो जाती है तो सारा मैसी हो जाता है गली। जैसे कि कल दोपहर में काफ़ी अच्छी बारिश आई है, वेदर बिल्कुल चेंज हो गया था। सुबह धूप निकली थी, मैं टेरेस पर सुबह मॉर्निंग में गई थी, पानी दिया था प्लांट्स वगैरह को। उसके बाद मैंने कुछ पॉट्स जो हैं गमले, उनकी मिट्टी मैंने सूखने के लिए टेरेस पर रख दी थी, फैला दी थी अच्छे से कि वो सूख जाएगी, तो मैं उस मिट्टी को रेडी करूँगी, विंटर वाले प्लांट जो है वो लगाऊँगी या फिर सीडलिंग रेडी करूँगी। बट हुआ क्या, लगभग 1:30 या 2 बजे होंगे उस टाइम पर अचानक से वेदर जो है चेंज हो गया, बिल्कुल आसमान जो है वो काला हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो गई है। और मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, मैं हमेशा 1:30 से 2 बजे के बीच में मम्मी से बात करती हूँ डेली। तो अचानक मैंने बाहर देखा तो मुझे लगा हाय राम, ये तो बहुत तेज़ बारिश आने वाली, मैंने तो टेरेस पर मिट्टी सुखाई है। तो मैंने जल्दी से मम्मी से बातें की, फिर बोला मम्मी मुझे थोड़ा काम है, टेरेस पर जाना है। तो मम्मी ने बोला हाँ हाँ ठीक है, रख दो फोन, जाओ पहले ऊपर चले जाओ। तो मैं ऊपर गई हूँ और मैंने सिर्फ एक प्लेट मिट्टी भरी है, बहुत बार मोटी मोटी जिसे बोलते ना, ऐसा लग रहा था ऊपर से रसगुल्ले टपक रहे हैं। तो मैं जैसे झुक कर मिट्टी उठा रही थी, क्योंकि टेबल वगैरह ला कर बैठ कर करती तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो मैं बस ऐसे ही झुक कर मिट्टी भर रही थी। तो मेरा पूरा ये जो बैग है ना, ये पूरा मेरा बैग जो है सर से लेके पूरा मेरी कमर, मेरे हिप्स, ये सारे गीले हो गए थे। इतनी मोटी मोटी, ऐसा लग रहा था कोई मुझे रसगुल्ले फेंक फेंक के मार रहा है। मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे, सारी कमर गीली हो गई थी, मेरा ये जो बैक है मेरा सारा ये गीला हो गया था। झुकी हुई थी तो यहाँ से भी पानी आ रहा था, तो काफ़ी गीला हो गया था। चलो उस टाइम तो मैंने मिट्टी जल्दी से भर ली जितना हुआ, 2 ही गमले की मिट्टी थी, ज़्यादा नहीं थी, बट उसको भरने में टाइम काफ़ी लग रहा था क्योंकि बहुत जल्दी मिट्टी गीली हो रही थी, तो मैं भीग गई थी बुरी तरह से। चलो ठीक है, दोपहर का टाइम था, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। बट उसके बाद धीरे धीरे जैसे शाम हुई, मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, कुछ बच्चों के नेक्स्ट डे से एग्ज़ाम थे तो मैंने उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया, 1 घंटा मैंने उनको ज़्यादा दिया। मतलब उनकी छुट्टी मैं 5-6 बजे करती हूँ, जिनकी छुट्टी मैं 5 बजे करती हूँ उनकी मैंने 6 बजे की, जिनकी छुट्टी मैं 6 बजे करती हूँ उनकी मैंने 7 बजे की। ठीक है, एक तो मैं बारिश में भीग गई थी, दूसरा मैंने एक्स्ट्रा टाइम बैठ कर बच्चों को पढ़ाया है, तो जिसकी वजह से मेरे हेयर जो है वो गीले ही रह गए थे। रसोई से बाहर चलते हैं क्योंकि रसोई का मैं बाद में बताऊँगी। तो भीगी तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सिस्टी मुझे पीछे से पूछ रही है, मम्मी क्या बाहर बारिश हो रही है। तो अभी तो नहीं हो रही है बट वेदर ऐसा ही है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे हेयर जो थे वो गीले ही रह गए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते टाइम में हेयर में कुछ नहीं कर सकती, हेयर को खोल के नहीं बैठ सकती, उस पर ड्रायर नहीं मार सकती। बच्चे आए हैं तो मैं प्रॉपर तरीके से बैठकर उनके सामने ही बैठकर उनको पढ़ाती हूँ, 1 मिनट के लिए भी हटती नहीं हूँ। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है,
आज नेक्स्ट डे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ये वाला पोर्शन मुझे बहुत भारी भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे सर पर बहुत मोटे मोटे से पत्थर रखे हैं। बैक जो है मेरा वो सारा दर्द कर रहा है, पैर जो है वो दर्द कर रहा है, बट वही हमेशा की तरह काम है, काम है तो काम करना ही है। तो उठी हूँ, हस्बैंड सुबह 5:30 बजे आए थे, रात को, रात नहीं बोलूँगी मॉर्निंग ही हो गई थी, 5:30 बजे मॉर्निंग ही हो जाती है, तो वो सुबह 5:30 बजे करीब आए थे। अकेले होने की वजह से मुझे अपने घर में नींद नहीं आती, हस्बैंड नहीं है, बेटा नहीं है, तो मुझे नींद नहीं आती है। वैसे हम ज़्यादा कहीं नहीं जाते हैं, अगर कहीं जाना भी होता है या तो हम सारे इकट्ठे जाते हैं या हस्बैंड जाते हैं, तो इस बार बेटा भी गया था तो मुझे थोड़ी सी टेंशन थी, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं काफ़ी देर तक जागी हुई थी, रात को 3 बजे करीब तक मैं जागी हुई थी 2 दिन से। और सुबह 5:30 बजे जब हस्बैंड आए हैं, बेटा आया, उन्होंने आवाज़ लगाई तब मैंने गेट खोला है। तो सुबह ऑफिस जाना था, बेटी की क्लास थी, इस वजह से सुबह उठना ही है, तो बाकी सारा काम करके अब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि काम है, काम तो करना ही है, तबीयत ठीक है तो भी करना है, थोड़ी सी ख़राब है तो भी करना है, क्योंकि चैनल है, ड्यूटी है, बाकी सारा काम है, वो सारा काम हमें करना ही पड़ेगा। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही होगी, अगर आवाज़ थोड़ी सी कम आए तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लियर सुनाई दे रहा था या नहीं। तो चलिए अब बैक कैमरे से मैं आपको अपनी दिखाती हूँ, मैं ग्रीन टी पी रही थी, एक्चुअली थोड़े से मोटे हो गए हैं, हेल्दी हो गए हैं, तो ग्रीन टी पीना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा डाइट फॉलो कीजिए। अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि मैंने अपना लगभग मैंने 5 kg अपना वेट कम किया है, और विथ प्रूफ दिखाऊँगी आपको। अभी तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, आई थिंक अप्रैल के करीब मैंने अपना जो रेगुलर चेकअप होता है वो करवाया था, तो उससे पहले लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पे मेरा वेट आया था 69, ठीक है। उसके बाद रेगुलर हम वॉकिंग करते हैं, बस रात को 1 घंटा तो पक्का है, मॉर्निंग में कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है वॉक, तो मैंने अपना 5 kg के करीब वेट कम कर लिया था। तो जब मैं अप्रैल में चेकअप करवाने गई थी तो मेरा आया था 67, ठीक है, 69 से 67 आया, तो मेरे अंदर एक उमंग जागी, लगन जागी कि मैं अपना वेट कम कर सकती हूँ, तो मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, सिर्फ वॉक ही करते हैं हम, और थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल किया हस्बैंड और मैं दोनों। पहले हस्बैंड 5 रोटी खाते थे, मैं 3 रोटी खाती थी, अभी हस्बैंड आ गए हैं 3 पे और मैं आ गई हूँ 1 पे, ठीक है, एक ही रोटी खाती हूँ मैं तीनों टाइम, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दिन में 1 रोटी खाती हूँ, नहीं, सुबह नाश्ते में 1 रोटी खाती हूँ, दोपहर को 1 रोटी खाती हूँ, फिर रात को 1 रोटी खाती हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे करके लास्ट मंथ जब मैंने अपना वेट काउंट किया था, मैंने एक तारीख याद रख रखी है, 12 तारीख, तो 12 हर मंथ की 12 तारीख को मैं अपना वेट काउंट करती हूँ, तो मेरा 64.5 kg आया था, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। अगर आपको जानना हो ये पूरा प्रोसेस मैंने कैसे किया, कैसे अपना वेट कम किया, तो कमेंट करना, मैं ज़रूर बता दूँगी। तो बहुत सारी बातें हो गई इधर उधर की, इधर उधर की कुछ नहीं है, सब इम्पॉर्टेंट बातें बताई हैं, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बातें ही बताई हैं, चैनल हमने इसीलिए तो बनाया है कि हम आपको अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें बता सकें, कुछ दिखा सकें, कुछ समझा सकें। तो चलिए मैं ग्रीन टी बताती हूँ आपको, मैं कौन सी ग्रीन टी पीती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है मेरी ग्रीन टी जिसको मैं रोज़ लेती हूँ, और सिर्फ एक ही पीती हूँ मॉर्निंग में, नाश्ते के बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं पीती हूँ। तो 10:30 बजे करीब, देखिए हम 8:30 से 9 बजे करीब नाश्ता कर लेते हैं, 10:30 बजे जूस वाला आता है, जूस लेते हैं, और उसके बाद मैं 11, 11:30 या 12 बजे तक अपनी ग्रीन टी लेती हूँ। तो ग्रीन टी में आप कोई भी ले सकते हो, तो अभी इस मंथ तो मैंने ये ली है, इससे पहले 2 मंथ मैंने मोदी केयर की ग्रीन टी पी है, तो जो भी अवेलेबल होती है मैं वो वाली ले लेती हूँ। तो इसका टैग जो है ये इस टाइप का निकलता है, ठीक है। मैंने वाटर जो है गैस पर चढ़ाया हुआ है, अभी ज़्यादा कुछ खास काम नहीं किया है मैंने रसोई में, तो बस सुबह का नाश्ता ही हुआ है, बाकी आप गला समझ रहे हो कैसा है। तो ये देखिए गर्म पानी करके और बस अपना ग्रीन टी में डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैं ग्रीन टी बनाना सिखा रही हूँ, ग्रीन टी सबको आती है बनानी, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साइड में यहाँ पर मेरे दूध भी रखे हैं जो अभी तुरंत मैंने गर्म करके नीचे उतारे हैं, और ये देखिए, ठीक है। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हस्बैंड बालाजी से तो वैसे कुछ नहीं लाए हैं, अगर मेरे मुंह से निकल गया हो कि मैं आपको बताऊं बालाजी से क्या लाए हैं तो उसके लिए सॉरी, आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बालाजी से हम कोई भी चीज़ वापस नहीं ला सकते,
चाहे वो चीज़ हम अपने घर से लेके गए हों या फिर वहाँ से हमने कुछ खरीदी हो। आई होप आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार बालाजी का टूर ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए, ठीक है, तो बालाजी के बाद हस्बैंड गए थे वृंदावन और वहाँ से जो चीज़ें लाए हैं वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट बार बिना बोले हुए कोई चीज़ हस्बैंड लेके आए हैं, नहीं तो वो बिल्कुल भी कहीं जाते हैं तो कुछ भी नहीं लाते, पलट के मुझे बोलते हैं ये सारी चीज़ें दिल्ली में तो मिलती है तो यहाँ से खरीद के लेके जाने का क्या मतलब है। मतलब कि मुझे ऐसे बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें दिल्ली में हैं और यहाँ पर तो इतना ज़्यादा हाई रेट है इनका कि एक रुपये की चीज़ जो हमें दिल्ली में मिल रही है वो यहाँ पर हमें 10 रुपये की मिलेगी, तो हम यहाँ से क्यों खरीदें, हम तो दिल्ली से ही खरीदेंगे। ठीक है, तो हस्बैंड थोड़े इस टाइप के हैं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या लाए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये प्यारी सी चादर जो है हस्बैंड ने ही ली थी, उनको ये कलर बहुत पसंद आया था, तो आप भी ज़रूर बताना आपको ये कैसे लगी। ठीक है, तो सिस्टी भी आ गई है देखने के लिए कि पापा क्या लाए हैं, क्योंकि जिस टाइम आए थे वो तो सिस्टी उस टाइम सो रही थी, तो वो भी देखने के लिए बेचैन है कि पापा आखिर क्या लाए हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये एक पिगी पैन बोलूँगी मैं, ठीक है, ये लाए हैं, तो इसको सिस्टी ही खोलेगी, इसके अंदर कुछ और है। उन्होंने आते ही बोला था कि ये मैं सिस्टी के लिए लाया हूँ, जब मैंने सारा सामान वो रात को क्या सुबह ही आए थे, तो सारा सामान उन्होंने उठाकर कूलर पर रख दिया था, मैंने वहाँ से उठाकर जब इन सबको अंदर रखा तो उन्होंने पूछा सारा सामान हटा दिया, मैंने कहा कि मैं उसमें एक पिगी पैन लाया हूँ, गुल्लक जिसे बोलते हैं, तो वो सिस्टी के लिए है। ठीक है, तो इसको सिस्टी ही ओपन करेगी और इसमें कुछ और खजाना भी है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, ये वो प्रसाद लाए हैं, बालाजी का नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई मुझे कमेंट करके ये मत बोलना कि ये बालाजी का प्रसाद आप कैसे लाए हो, बिल्कुल भी नहीं, ये बालाजी से नहीं आया है, वृंदावन गए थे बालाजी, पहले गए फिर उसके बाद वापस आते टाइम वो वृंदावन गए थे, तो टूर था पूरा, एक बस बुक की हुई थी, ग्रुप था पूरा, तो उसमें पहले बालाजी गए हैं और उसके बाद वृंदावन गए हैं, वृंदावन से सीधा दिल्ली आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो 4 डब्बे लाए हैं, ये देखिए प्रसाद जय श्री कृष्ण, इसके अंदर पेड़ा होता है। ठीक है, तो ये फैमिली मेंबर्स के लिए है, हालांकि वो मुझे भूल गए हैं और मेरी मम्मी पापा का जो फैमिली है उनको भूल गए हैं, कह रही ये उनका है, ये उनका है, ये उनका है, मैंने पूछा मम्मी पापा का कहाँ है, तो कह रही कोई बात नहीं, एक डब्बा बच्चे का मम्मी पापा को देना, मैंने बोला फिर हमारा कहाँ है, तो कह रही हमारा भी लाना था। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो लेके आए हैं, वो इन सारी चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करते कि यहाँ से कुछ लेके चलो, ये है वो है। तो ये देखिए, ये कुछ मीठा लग रहा है मुझे, जैसे हमारे यहाँ वो होता है ना जिसकी हम पूजा करते हैं दिवाली पर, खील पतासे के साथ आता है, तो ये उस टाइप का मोटा वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रसाद जो हमें बांटना है। ठीक है, तो हस्बैंड ने बोला है कि प्रसाद के साथ अब जो हमारे नियर फ्रेंड हैं तो उनके लिए भी जय बाबा निकालते हैं। देखिए, उन्होंने मुझे बोला था कि ये बालाजी का दरबार है, तो देखते हैं कि ये भी एक देना है। ठीक है, तो ये देखिए, दिख रहा है ना आपको क्लियर, कितनी अच्छी साइन है इसकी, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारे राम जी है, लक्ष्मण जी है, सीता माता है और साइड में हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं। ये सारी तस्वीर या फ़ोटो ये सब आपने देखी ही होगी, हमेशा ये हमारे घर में होती है, मेरे घर में भी है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको ताकि आपको यकीन आ जाए। और मुझे लगता है यहाँ पर बालाजी की ही है और मेरे ख्याल से ये वहाँ के पंडित जी होंगे, मुझे ठीक से पता नहीं है। ठीक है, तो ये वो लाए हैं 3, ठीक है, सेम डिज़ाइन है, 3 लाए हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए, 2 तो उनके भाइयों की हैं, 2 भाई हैं वो, ठीक है, और 3 भाई हैं, तो 2 तो उनके घर जाएगी, 1 हमारे घर। ठीक है, तो ये हो जाएगी 3, तो मैं अपने घर को छोड़ के 1 मैं मम्मी के घर भेजूँगी। ठीक है, क्योंकि अपने घर के लिए हम फिर कभी ले आएंगे। तो इसके बाद देखिए, ये सिस्टी की हो गई गुल्लक और मैं बहुत जल्दी इस गुल्लक को भरूंगी, खुले पैसे इसी में डाला करूंगी। और इसके बाद ये देखिए, ये लाए हैं मेरे लिए, ये देखिए दिया, बहुत अच्छा, आपको भी अगर ये पसंद आए, अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ये सब लेके आए हैं, मुझे तो यही खुशी हो रही है। ठीक है, ये दिया है, तो
दिया जलाने के बाद आप इसको ऐसे ऊपर से रख दोगे तो ये एक प्रॉपर दिया बन जाएगा और ये बुझेगा भी नहीं। ये देखिए, आई होप आप सबको क्लियर दिख रहा होगा। तो चलिए अब मैं ब्लॉग के एंड में आपको ये वाली तस्वीर दिखाती हूँ, ये साइड वाली जो मैंने अभी आपको बोली थी कि मैं इसको दिखाऊंगी। तो आज कुछ खास नहीं मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए, ये है मेरा छोटा कमरा, साइड में मेरा मंदिर लगा हुआ है। तबीयत ख़राब होने की वजह से मंदिर में मैं माला वगैरह भी चेंज नहीं कर पा रही हूँ। ये गणपति बापा को हमने जिस दिन विसर्जन किया था उस दिन की माला लगी हुई है ये, ठीक है। तो ये देखिए, ये सेम वही फ़ोटो है जो अभी आपको दिखाई मैंने। ये देखिए, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण और ये उनके भाई, और यहाँ साइड में हनुमान जी बैठे और ये उनके भाई, ठीक है। राम जी जो थे वो चार भाई थे, आप सबको पता ही होगा। ये देखिए, ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर से दिख गया होगा। और ये एक दुर्गा माता की फ़ोटो है जो वैष्णो देवी से लाए थे मेरे कोई नियर फ्रेंड, उन्होंने मुझे दी थी, तो मैंने इस फोटो को यहीं लगा रखा है इसी में, ठीक है। तो मेरा दुर्गा माता पे कुछ ज़्यादा ही विश्वास है बिकॉज आई एम फ्रॉम कोलकाता। तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है उसे ऑल पर प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप मेरा व्लॉग देख सको। तो मेरा फर्स्ट चैनल है सिस्टी क्रिएटिव आइडिया चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ डेली मॉर्निंग में 9 बजे मैं अपना वीडियो अपलोड करती हूँ, तो वहाँ पर जाकर वो सारे वीडियो देखिए और उन सब का बेनिफिट उठाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।